हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं, डाउट होते हैं, क्वेश्चन जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछा है। काफी क्वेश्चन पूछा था तो मैं ये पार्ट वाइज बना दूंगा। अगर कोई भी और भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने क्वेश्चन हो सके आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो आप उसे डालिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन को पिक कर लूंगा और आंसर दे दूंगा, ठीक है। वीडियो बनाकर देना ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि इसमें आपको डिटेल जानकारी मिल पाएगी। जैसे सेपरेट को मैं कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैं आपको क्वेरीज बताने वाला हूँ सब एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है, जो कि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम बेस्ड होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, डस एसएससी कंडक्ट एवरी ईयर, क्या एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है वो हर साल होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था काफी बार मेरे से भी, और काफी अदर अदर वेबसाइट पर भी देखे गया है। मेरे अपने वेबसाइट ऑनलाइन कॉन्सेप्ट इन पर भी काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, मैं इसका एकदम क्लियर आंसर देना चाहता हूँ। हर साल लगभग, एवरी ईयर, आपका अगर कोई इमरजेंसी नहीं हो तो हर साल लगभग आपका एसएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एसएससी एग्जाम हम लोग एक से ज्यादा बार दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, अलग अलग टाइप कर घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया था कि अब हम सर इतने एज के हो गए, इतने एज के हो गए, मैं एग्जाम दे पाऊंगा? तो देखिए, पूरा रिलेटेड जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ में डाल चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप एग्जाम एक से ज्यादा बार दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी है कि सर एक से ज्यादा बार दे सकते हैं, चार बार दे सकते हैं, पांच बार दे सकते हैं? देखिए, आपका जब आप रिलैक्सेशन लगाइएगा तो काफी बार एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए तैयारी आपको अच्छे से करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, एक से दो अटेम्प्ट में आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल का मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सा है। तो देखिए, जितने भी पोस्ट दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी अपने अपने कैटेगरी में अपने अपने टॉप पोजीशन पे आते हैं। जैसे बात किया जाए कि इनकम टैक्स का, देखिए लोग इनकम टैक्स को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, बहुत लोग को तो जानकारी ये होता है कि सिर्फ इनकम टैक्स ही एक पोस्ट है वगैरह, एग्जामिनर पोस्ट है ये पोस्ट, नहीं, देखिए काफी पोस्ट होते हैं उसके अंदर। जब आप सिलेक्शन कीजिएगा, जब आप टीयर टू में जाइएगा तो वहां पर सिलेक्शन रहता है, ये कौन कौन सा पोस्ट आप सिलेक्ट करने के लिए प्रेफरेंस लेवल पर डालने के लिए, तो उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। और भी अदर वेबसाइट में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट होते हैं, काफी पोस्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं। तो जो फेमस का बात किया जाए, जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम स्टूडेंट लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं पॉपुलर में, तो देखिए वो है इनकम टैक्स ऑफिसर का पोस्ट, काफी फेमस पोस्ट है। देखिए, ये एसएससी सीजीएल से ही सिर्फ ऑफर किया जाता है ये पोस्ट, और ग्रेट मतलब इसमें बात किया जाए तो सोशल स्टेटस का रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें सैलरी अच्छा होता है, आपका इमेज अच्छा बनता है, ये सब रिलेटेड लिया जाए तो इनकम टैक्स ऑफिसर का अच्छा पोस्ट माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, इस एसएससी सीजीएल टीयर थ्री क्या सभी के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या हम टीयर वन टू सिर्फ देकर नहीं हो जाएगा? तो देखिए, टीयर वन काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता होगा, जिसके अंदर आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं अलग अलग सेक्शन से, चारों सेक्शन से आपका 50-50 नंबर का एग्जाम होता है और 25-25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या टीयर थ्री, टीयर टू भी अगर पास आउट कर लेते हैं, टीयर थ्री का एग्जाम होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि टीयर वन और टीयर टू पर बेस्ड होता है और उसी के अनुसार से आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन जो टीयर थ्री है वो भी काफी पोस्ट, कुछ ऐसे बहुत कम ऐसे पोस्ट हैं जो कि आपका टीयर वन और टीयर टू से ही हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो होते हैं वो पेपर थ्री आपको देना होता है। अब कुछ कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जो कि पेपर फोर भी होता है, वो भी आपको देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा वीडियो का बात किया जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात किया जाए तो यही क्वेश्चन है जो कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर काफी क्वेश्चन पूछा गया है। काफी लगभग मुझे हर दिन 15 से 20 ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें पूछा जाता है, सर क्या मैं फाइनल ईयर में हूँ, फाइनल सेमेस्टर में हूँ, मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ एग्जाम। देखिए वो बेस्ड होता है कि आपका सेमेस्टर कैसा है, पहले ये क्लियर कर लीजिए। अगर 8 सेमेस्टर आपका ग्रेजुएशन में हो रहा है या आपका 6 सेमेस्टर हो रहा है उस बेस के अनुसार आप देख सकते हैं। इसका जो डायरेक्ट आंसर है कि क्या आप एसएससी सीजीएल फाइनल ईयर में होते हुए ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा इसका आंसर है यस, आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक फुलफिल करना होगा, आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होगा, अगर आप फाइनल ईयर का बात किया जाए तो फाइनल ईयर में होना चाहिए या फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए, ठीक है ये होना चाहिए। लेकिन जो आपका डिग्री हो, ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है वो आपका 1 अगस्त 2019 इसलिए बोल रहा हूँ कि नया, जैसे कि अगर आप 2020 में फॉर्म भर रहे हैं, 2021 में फॉर्म भर रहे हैं, उस रिलेटेड बात किया जाए, और 2019 का जो फॉर्म है वो आपका 1 अगस्त 2019 तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर का बात किया जाए तो डिग्री आपके पास होना चाहिए तभी आप एलिजिबल है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे एसएससी सीजीएल के लिए। नहीं तो बिल्कुल आप अप्लाई, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम तो दे सकते हैं लेकिन आगे जाकर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। इससे अच्छा है कि आप तैयारी पहले कर लीजिए और ग्रेजुएशन जब कंप्लीट कर ले तब इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और भरिए और निकालने का पूरा कोशिश कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वीडियो को बहुत शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी लोग ने पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको बताने वाला हूं कि देखिए काफी ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कि सर ये इसका आंसर आपने नहीं दिया, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ये नहीं बताया आपने। तो देखिए जितना भी क्वेरीज होता है आप फेसबुक पर ज्वाइन हो जाइए मेरे से, कमेंट बॉक्स में मैं वहाँ लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप फेसबुक से हमें ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ फॉलो करना होता है, आप फॉलो कर लो। देखो उसके बाद अब जितना भी मैं आपको रिलेटेड जानकारी दूंगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद लगेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। सब मैं फोटो बनाकर एकदम अच्छे से डिटेल डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट आंसर पाइएगा, जिसमें कोई झोल नहीं है कि लंबा आप लिंक पर जाइए उसके बाद खोल कर देखिए, उसमें वैसा कुछ नहीं है। फोटो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप अच्छे से पूरा जानकारी ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ फाइल दूंगा, जो ऐसे बुक का पीडीएफ फाइल नहीं मिल पाता है आप वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, आप कुछ भी कोई भी बुक से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलता रहेगा। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कर लीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, सभी जगह आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।